अरे नहीं है आज से लगभग 15 दिन पहले हमारी संस्था के संस्थापक चंद कुमार जैन साहब का जन्मदिन था। उस दिन हमारे महामंत्री जी ने प्रस्ताव रखा कि जाड़े का मौसम शुरू हो गया है और आज से ही हम कंबल वितरण शुरू करें। इस प्रस्ताव का पूरी संस्था ने, हमारे जो महामंत्री कन्हैया नामदेव जी हैं, उनका समर्थन किया। उसी दिन से कंबल सेवा प्रारंभ कर दी और व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया कि हमको 501 कंबल बांटना है। सूचना पाते ही लोगों ने कंबलों की धनराशि, जो हमारे संस्था के सदस्य हैं, उन्होंने भेजना शुरू कर दी और जहां सूचना मिलती है हम लोग वहां तुरंत पहुंच जाते 10 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पर ग्रुप पर सूचना डालने के बाद। इसके अलावा प्रतिदिन मुक्ति संस्था रात को 9 बजे से 11 बजे तक जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडी के पास और जहाँ झुग्गी झोपड़ियों में ऐसे लोग जो संसाधन विहीन है रहते हैं उनके पास पहुंच करके रात्रि में ऐसे लोगों को जिनको आवश्यकता वास्तव में, जो नीडी लोग हैं, उनको कंबल देने का काम संस्था लगातार कर रही है, जिसमें हमारे प्रमोद सक्सेना जी, कन्हैयालाल नामदेव जी, डॉक्टर राजीव रंजन जी, सरदार बॉबी जी जो हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष हैं, संस्था के अध्यक्ष अज्जू बाबा जी, सुनील चौबे जी और भरत लाल सेन साहब, ऐसे तमाम हमारे जो साथी हैं, पूरी टीम, लगभग 20 लोगों की टीम, सुरेश साहब एक ही सूचना पे इकट्ठे हो जाते हैं, नेपाल सिंह यादव, तमाम लोग जो कि जहाँ जहाँ बुलाओ वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे भाई, जो सभी मुक्ति संस्था के पदाधिकारी और सदस्य हैं, आज देखकर हर सुबह यहाँ पर जिला अस्पताल में आए और कंबल बांटने का कार्य उन्होंने किया। इस कड़कड़ाटे की ठंड जो पूछमा है शुरू हुआ है, यह गलन वाली ठंड है और इसमें इन्होंने कोई कार्यक्रम आयोजित करके यह कार्य नहीं कर रहे लोग। ये लोग उन लोगों के पास जा जाकर जो ज़रूरतमंद हैं, यह उनको हर जगह ढूंढते हैं, अस्पताल में, बस स्टैंड पर और रेलवे स्टेशन पर या ऐसे जगह पर जहां पर वह बेचारे ठंड से कपकपा रहे हैं, उनकी स्थिति देखकर उनको अपने हाथों से कंबल उड़ाते हैं। अन्नपूर्णा सेवा संघ मुक्ति संस्था की भूरी भूरी सराहना करती है। उनके सदस्य जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। हमारे सभी लोगों को इन लोगों से सीख लेनी चाहिए कि सभी लोग जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने पुराने कपड़े, नए कपड़े, जो भी उनकी सामर्थ्य है वह लेकर निकलें, जहां पर उनको कोई आवश्यक व्यक्ति मिले जिसको इस ठंड में